जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआओं में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। रेसलिंग या कुश्ती को दुनिया का सबसे पुराना खेल माना जाता है। रामायण महाभारत काल में इसे मलयुद्ध कहा जाता था। बाली, सुग्रीव, भीम, दुर्योधन इस खेल के महान योद्धा थे। समय बदला, मलयुद्ध कुश्ती में बदला और कुश्ती रेसलिंग में। हमने सारी दुनिया को एक से बढ़कर एक रेसलर दिए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हरियाणा का। हरियाणा पहलवानों का गढ़ है और उसी गढ़ में आज जो सबसे बड़ा नाम माना जाता है वो है फोगाट परिवार। छह बहनों के फोगाट परिवार और उनके मुखिया महावीर फोगाट ने महिला कुश्ती की इमेज बदल दी। हरियाणा में महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदल दी। इसी फोगाट फैमिली से एक सुपर टैलेंटेड रेसलर है विनेश फोगाट। मैं विनेश फोगाट, मैं एक रेसलर हूँ, पहलवान। अपने खेल के जरिए मैं दुनिया को यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ अगर सोच लें तो सब कुछ कर सकती हैं। उनमें भी वही ताकत है, हिम्मत है। खेल मर्द या औरत नहीं देखता, खेल देखता है लगन, मेहनत। फोगाट रेसलिंग में एक ब्रांड सा बन गया है, कैसा लगता है इस सरनेम के साथ? अच्छा लगता है सर, क्योंकि पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है और वो पहचान भी बन गई है तो वो काफी अच्छा लगता है। बट इस सरनेम के साथ जो प्रेशर आता है आपके ऊपर, वो भी महसूस होता है? इस नाम को बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, चैलेंज आ रहे हैं हर दिन की। अभी उससे पहले ये था कि एक अच्छी रेसलर बनना है, अभी ये हो गया कि लोगों की उम्मीद इतनी बढ़ गई कि ओलंपिक्स में गोल्ड मांग रहे हैं और मेरा भी खुद से उम्मीद हो गया है, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर तो बाहर में होगा जब प्रैक्टिस करते होगे, लेकिन जैसे उस मैट पे उतर गए तो फिर क्या सोचते हो? मैट पे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, ओपोनेंट दिखाई देता है। जैसे लोग बोलते हैं कि क्राउड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, मुझे सुनाई नहीं देता कुछ भी, मुझे एक फोकस दिखता कि सामने वो है, उसके साथ कैसा लड़ना है। अभी वो प्रेशर नहीं है, मैट पे जाती हूँ तो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जीतना है बस। ऐसा मुझे एक बार सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ने कहा था कि वो एक उस जोन में आ जाते हैं जब उन्हें सिर्फ गेंद नजर आती है, गेंदबाज नजर नहीं आता, पब्लिक नजर नहीं आती, साइड स्क्रीन नजर नहीं आती। मैं ऐसे जोन में कभी नहीं गया, लेकिन विनेश ऐसे जोन में हर बारी शायद जाती है और उसी का नतीजा है कि शायद हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी, गोल्ड लेके आएंगी। मारी छोरियां छोरों से कम है के दंगल मूवी के बाद कितना लाइफ बदल गई है फोगाट सिस्टर से। दंगल मूवी आने के बाद मैं लोगों से कांटेक्ट में नहीं आई हूँ। प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है ना कि पहले ही प्रेशर है ओलंपिक्स का, अभी लोग और प्रेशर बना देंगे, तो मैं बचने की कोशिश करती हूँ कि जितना लोग मुझसे थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि जो फोगाट नाम है और ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं। आपने कौन सी उम्र में ये लगा कि भाई आपको प्रोफेशनली रेसलिंग करनी चाहिए? मेरा पहली बार कैडेट एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड आया था, अनफॉर्चुनेटली गोल्ड आ गया, वो गलती से आ गया, मैंने मांगा नहीं था। बस मेरी ये थी कि मुझे जीतना है और उसके बाद मैं घर गई, घर पे गांव वाले ने पूरा पूरा बहुत बड़ा स्वागत किया हमारा कि अरे गोल्ड जीत के आए हैं, गोल्ड जीत के आए हैं। उस टाइम भी लगा रहे ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ भी फोटो लेने लगे, उन्होंने मेडल जीता है। गांव वाले में जो लेडीज आती थी, मम्मी से पूछती कि विनेश कहाँ है, वो गोल्ड लेके आई थी वो लड़की, तो एक ये लगने लगा कि हाँ कुछ तो बात है इस चीज में, जितना ही पड़ेगा, हार गए तो कोई नहीं पूछता यहाँ पे। उस टाइम मैं 14 की थी, 14 साल की। हाँ जी। और गोल्ड लेकर आए जी। 14 साल की उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है और आप गोल्ड लेकर आए? सर घर वालों का प्रेशर बहुत ज्यादा था, वो डर के कारण वो मेडल आया था। उस टाइम पे वो मुझे ये नहीं था कि रेसलिंग में अच्छा करना है, तब भी मेरा पढ़ाई में मन था, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही थी कि मुझे पढ़ना है,
ताऊजी ने जैसे बहुत बार मार भी लगाई मुझे, मैं स्कूल में से लेट आती थी ट्रेनिंग पे तो कि स्कूल बंद कर दे इसका, लेकिन मम्मी को रोक के बोलती थी कि मुझे स्कूल में जाना है, स्कूल में जाना है, तो मम्मी फिर चुपके से मुझे भगा देती स्कूल में कि जा पढ़ाई भी ठीक है साथ, थोड़े टाइम तो बच जाएंगे ट्रेनिंग से अगर स्कूल जाएंगे। रेसलिंग में आपको ऐसा क्या खास लगा जिसने आपको प्रभावित किया कि भाई आपको रेसलिंग ही करनी, या सिर्फ और बहने कर रही थी तो आपने भी कर ली? जब गीता बबीता ये बाहर गए थे पहली बार स्कूल्स नेशनल था इनका, तब मुझे नहीं लेके गए, तब मैं उनका कॉस्ट्यूम देखती थी ना, मुझे भी पहना ये कॉस्ट्यूम, मुझे भी वो शूज पहन के रेसलिंग करना है मैट पे, क्योंकि घर पे मैट था ही नहीं, मैट पे कभी ट्रेनिंग ही नहीं की थी, तो मुझे उस मैट पे चढ़ के बस वो करना था कि कैसी फीलिंग आती है, तो वो एक फीलिंग थी कहीं ना कहीं कि मैट शूज और कॉस्ट्यूम पहन के मुझे मैट पे चढ़ना है बस, जिस प्रकार वो रेसलिंग में आई या वो उन्होंने मेडल जीते, तो आप सब लोगों को भी ये लगता होगा कि भाई हम भी उन जैसा बने, रेसलिंग करें, मेडल लेके आए। जब मेडल्स गीता बबीता का है तब खुद भी लगा कि हाँ, क्योंकि लोग उनके साथ फोटो लेने लगे, जब भी घर में कोई आता तो सबसे पहले पूछते गीता बबीता कहाँ है, तो मैं गुस्सा भी आता था कि क्यों हम यहाँ पे है नहीं क्या, यहाँ से गुजर गए, मर गए, क्या हो गया, गीता ही बबीता है सब कुछ इस घर में। गीता बबीता पे ये था कि जाना है और जीत के आना है, लेकिन हमारे ऊपर तो उनसे ऊपर करना है, वो प्रेशर था, उस नाम से निकल के नाम बनाना वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट था। आपके जीवन में आपके जो ताऊ जी है महावीर फोगाट जी, उनका क्या रोल है? रेसलिंग होने के कारण है, और शायद वो रेसलिंग नहीं करवाते तो क्या पता लाइफ में क्या होता है क्या नहीं। एक इतनी अच्छी चीज हमें दी है, उसके लिए मतलब हमेशा दिल में ये रिस्पेक्ट रहेगी कि उन्होंने रेसलिंग पकड़ाई, क्योंकि रेसलिंग मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे एक बेस्ट मोमेंट है, तो उस चीज के लिए हमेशा दिल में रहता है कि उन्होंने जो लगाया है तो शायद भगवान उनके अंदर आया था उस दिन, जो उन्होंने मेरे रेसलिंग में डाला उस मुकाम पे हमें लेके आए। महावीर फोगाट जी कैसे कोच है, नरम है कि गरम है? बहुत गरम है। बहुत गरम है। नरम तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं है। अभी जैसे कि बबीता बोलती है बहुत बार कि नहीं मेरे पापा बहुत सॉफ्ट हैं, मैंने तो कभी सॉफ्ट नहीं देखा उनको, कभी भी उन्होंने आगे कभी भी ये नहीं दिखाया कि हाँ चलो चलो आज रेस्ट ले लो, चलो चलो अभी आज आंसू भी उनकी आंखों में आ गए, कभी दुख भी हो गया, मैंने कभी नहीं देखा, हमेशा आंखें लाल गुस्से में बस। तो जब वो ट्रेनिंग कराते हैं किस प्रकार की ट्रेनिंग कराते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग, लगे रहो नहीं लगे तो फिर डंडे से मारना, लेकिन लगाए रखना, बहुत पिटाई भी बहुत होती थी। मम्मी को मैं बोलती थी आके कि ये क्या है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डंडे भी खा रहे हैं, ऐसे कोई करता है क्या, लेकिन फिर मम्मी भी क्या करे। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि रेसलिंग छोड़ के नहीं चले जाओ? बहुत बार घर छोड़ के चले जाओ? बहुत बार। मम्मी को ही बोलती थी कि मुझे नहीं करना ऐसा रेसलिंग, कौन सा गेम है ये, पिटाई करो, कान टूट गए, ये मैं कैसी लग रही हूँ, ये वो, लेकिन मम्मी फिर वही कि नहीं बेटा चलो लगे रहो। अच्छा, आपने बहुत छोटी सी उम्र में अपने फादर को खो दिया, उस समय उस वक्त क्या आपके दिमाग में? मैं मम्मी की बहुत लाडली थी, मम्मी से चिपक के रहती थी सारा टाइम, कहीं मम्मी कहीं भी जाती मम्मी के साथ साथ, तो पापा के साथ मेरा इतना अटैचमेंट नहीं था, लेकिन पापा का मेरे साथ बहुत ज्यादा था, लेकिन उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि पापा गए, बस ये था मम्मी रोती थी तब ये होता था कि हाँ कुछ तो मतलब घर में मिसिंग है, लेकिन अभी कभी कभी होता है। पापा के बहुत लाडली थी, पापा हमेशा बोलते थे कि देखना मेरी बेटी एक दिन जहाज में जाएगी और मैं नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ। अच्छा, आपने बात की कि आप अपनी मम्मी के आगे पीछे रहती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, तो कितना बड़ा योगदान है आपकी माता जी का? मम्मी ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मम्मी रात को टाइम सिर्फ 2 घंटे मिलता था उसको सोने को, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए करना, हमें तो बस या 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को करना पड़ता, रेस्ट तो मिल रहा है ना पूरे दिन पूरे रात, जब मैं थकने की कोशिश करती हूँ हारने की कोशिश करती हूँ, 2-3 चीजें हैं जो मुझे पकड़ के रखती है, मम्मी दिखती है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है, मेडल दिखता है ओलंपिक्स में कि वो चाहिए मुझे क्योंकि उसके लिए मैं बनी हूँ, ऐसे फीलिंग आती है, तो वो कुछ चीजें जो प्रैक्टिस में थकने के बाद भी पुश करती है पीछे से। माँ के योगदान को कोई नहीं भुला सकता, जितने उनके बारे में बात करो उतने कम है, एक माँ ही समझ सकती है एक बेटे का एक बेटी का दर्द, तो शायद आज यही मौका है हम सब के लिए, हम सब खिलाड़ियों के लिए, कि हम अपनी माँओं का धन्यवाद करें और उन्हें याद करें।
अगर विनेश के पास कुश्ती के दाव पेच है तो मेरे पास भी मस्ती के दाव पेच है, और एक दाव का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वीरू पछाड़, और जिसका सामना करने के लिए तैयार है विनेश फोगाट। रेडी? जी सर। मेरा पहला सवाल, दंगल या सुल्तान? दंगल। आमिर खान की बॉडी दंगल में या सलमान की बॉडी सुल्तान में? आमिर खान। उसे फेवरेट एक्टर? सलमान खान। फेवरेट गाना? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या बात है, किशोर कुमार का। पुराने गानों की शौकीन? बहुत। बचपन में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई किस्सा घटा हो जो सबसे याद रहा हो आपको? मैं स्कूल्स में लड़कों की पिटाई करती थी, और उसके बाद टीचर से भी उनकी पिटाई करवाती थी कि ये बदमाशी कर रहे थे। झूठ बोल के? बहुत। अच्छा, अगर आपको डेट पे जाना हो तो किसको चुनेंगे, एक रेसलर को या एक एक्टर? रेसलर को। रेसलर कोई है नाम जो आप लेना चाहें? नहीं, हाँ या ना? नहीं। शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्या खरीद? हेयर पिंस। हेयर पिंस। बहुत। वाह। फेवरेट फूड? चूरमा। आपको खाना बनाना आता है? जी सर, बहुत अच्छे से। मैं नहीं मानता, बड़ा मुश्किल से है ना। जो सुकून, जो शांति, जो खुशियां है ना, वो लाइफ में कहीं नहीं मिलेगी। कोशिश रहेगी, हम रेसलिंग को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे। आपके हिसाब से आपके कैरियर की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही होगी, हाईलाइट रहेगी, वो क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेरा गोल्ड आया था, वो मेरा लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था रेसलिंग में। उससे पहले नहीं पता था कि क्या होगा, मैं कुछ अच्छा भी कर सकती हूँ, बस ये फील आती थी कि हाँ मुझे अच्छा करना है। लेकिन उसके बाद ओलंपिक्स का ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वही मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट था। रियो 2016 में क्वालिफाई करने के बाद आपको कैसा लगा? उस टाइम पे इतना गुस्सा था मेरे अंदर, मैंने उसी टाइम पे आंखों में आंसू आ गए मेरे, गुस्से के कारण आए थे। इतनी इमोशनल हो गई थी मैं कि देखो मैंने किया है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते, तो उनको मैं दिखाना चाहती थी कि देखो मैंने किया है ये सब। साक्षी का भी होगा, मेरा भी होगा, हम दोनों गले लग के रो रहे हैं, अरे यार हमारा क्वालिफाई हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा, और साक्षी भी ऐसे कर रही है, मैं भी ऐसे ही करूँ कि हम, क्योंकि हम दोनों का हुआ है एकदम से शोक लगा हमें, क्योंकि लास्ट राउंड था तो थोड़ा सा इतना प्रेशर था कि होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। होने के बाद मैंने झट से मम्मी को बोल किया, मम्मी मैं क्वालिफाई हो गई। मम्मी भी, अरे मम्मी भी फिर ऐसे हो गई कि बहुत खुश की हाँ ओलंपिक्स में जाएगी मेरी बेटी। ओलंपिक 2016 में जो आपकी सिस्टर्स थी उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो फोगार्ड होने के नाते क्या आप पर कोई दबाव था? बहुत प्रेशर था सर, वो फोगार्ड सिस्टर है, विनेश है, तो लोगों की उम्मीद बन गई थी कि ये ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आएगी। जब भी लोग मिलते कि बेटी तू तो जरूर मेडल्स लेके आएगी, तो एक कहीं ना कहीं ये थी कि इन लोगों की उम्मीद बचा के रखना है, तो एक जो मेहनत है वो मुझे दिखानी है। जब आपका ओलंपिक में पहला मुकाबला था, तो उस समय आपकी फीलिंग्स कैसी थी, आपके मन में क्या चल रहा था?
मुझे ये था कि जो भी सामने आएगा आज उसकी गई, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा था कि आज मेरा दिन है और ये टीम मेरे से कोई नहीं ले सकता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं मैदान पर उतरा चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मुझे लगा कि आज मेरा दिन है, अगर मेरा दिन है तो साउथ अफ्रीका वालों को पे करना पड़ेगा, और उन्होंने पे किया। लगभग 300 रन बनाए मैंने एक दिन में। वैसा ही कुछ शायद विनेश का दिन था जब वो ओलंपिक में उतरी। रियो में आप पे और साक्षी पर सबकी निगाहें थी, तो आप दोनों एक दूसरे का उत्साह कैसे बढ़ाती थी? उस टाइम पे बस ये फीलिंग आती थी कि मेडल्स तो हमारा आएगा, लेकिन ये नहीं पता कौन सी का आएगा। वेट के टाइम पे बात है, वेट होने के बाद हम रूम में आए तो मैं और साक्षी से पता नहीं क्यों मन में आई ऐसी बातें, हम बैठ के बात करने लगे, यार मेडल तो हमारा एक का आएगा, लेकिन जिस एक का आएगा उसके साथ जो दूसरी है उसके ऊपर क्या बीतेगी उस टाइम पे। तो फिर हुआ थोड़ा सा अलग, मुझे इंजरी हो गया तो साक्षी को थोड़ा सा केयर करना पड़ा कि इंजरी हुआ है थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेटली जब आप क्वार्टर फाइनल्स में इंजर्ड होगी तब आपके मन में क्या ख्याल है? एकदम से सब कुछ ब्लैंक हो गया, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने थोड़ा सा हिलने की कोशिश की लेकिन बॉडी में मूवमेंट ही नहीं आ रहा। एक कोच आया मेरे पास, बोला कि उठ, मैंने हाथ हिला दिया कि कुछ नहीं, हो ही नहीं रहा कुछ भी। मुझे स्ट्रेचर पे डाल रहे, मुझे सब दिखाई दे रहा है लेकिन हेल्पलेस फील कर रही थी। लेकिन जब मैं अंदर गई हूँ, अंदर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि मुझे अंदर ले आए मैट से उठा के, तब मैं जोर जोर से रोने लगी कि मुझे मैट पे लेके जाओ, मुझे वो इंजेक्शन देने लगे। मैंने इंजेक्शन बोला कि और ज्यादा इंजेक्शन दो, मुझे मैट पे जाना है, रेसलिंग करनी है। तो जो मेरी फीजियो थी वो भाग के आई कि उसको जिता दिया है। मैं एकदम से भाग के रोने लगी, क्यों जिता दिया है, मुझे कुश्ती लड़नी है, ऐसे कैसे जिता सकते हैं किसी को, मैं हारी थोड़ी हूँ। तो वो काफी देर तक, मैं 2-3 घंटे तक ऐसे ही करती रही थी। जब इस तरह की इंजरी होती है जो खिलाड़ी को मैट से लगभग 5-6 महीने दूर कर देता है, तो कैसा फील होता है? वो रेसलिंग की अहमियत है, वो मुझे कहीं ना कहीं 6 महीनों में पता लगी कि रेसलिंग का और मेरी लाइफ का कितना अटैचमेंट है। मेंटली बहुत तो असर पड़ता है, हम गिव अप करने की सोचते हैं बहुत बार कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें, क्योंकि लोग आपको भूल जाते हैं, कोई आपको पूछता नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे खुद को संभालना और खुद को संभाल के ट्रेनिंग भी करना, वो काफी चैलेंजिंग होता है। जो रिकवरी का समय था, जो रिकवरी का टाइम था, वो कैसा था, आपने कैसे हैंडल किया और उस समय को? जब ऑपरेशन हुआ था मैंने सर को ऑपरेशन से पहले ही पूछ लिया था कि सर अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो तो मुझे पहले से बेटर ही होना है, मैं मैट पे जाऊं मैं हार जाऊं उसके लिए प्लीज ऑपरेशन मत करना, चाहे मैं आज रेसलिंग को ही छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ आप अच्छा करोगे वो सब। तो उसके बाद JSW ने जो टीम बुलाई थी ना, उस टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे लिए। वो एक फ्रेंड थे मेरे, ना कि एक टीम थी। वो हमेशा, जैसे मैं कभी कभी बोलती थी कि क्या हो भी जाएगा क्या, तो वो कि नहीं होगा ना, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो माइंड से, आप जितने स्ट्रॉन्ग हो उतने ही बन के रहो, आप माइंड को कमजोर मत होने दो। और वो टीम ने जो मुझे संभाला ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कर भी सकती थी ये चीज। आपको एक बात बताऊं, मेरी जो पहली इंजरी हुई शोल्डर की 2008 में, उस इंजरी के बाद मैंने वनडे क्रिकेट में 2रा 2रा शतक बनाया। तो इंजरी के बाद हमेशा अच्छा ही होता। वो गुस्सा है ना सर, इतना खतरनाक हो जाता है ना उस टाइम पे, खाने को मन करता है कुछ, अब मिल गया ना अब नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लखनऊ में बैठा हूँ और यहाँ पर सारे रेसलर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उसी लगन और जोश के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो हैं एक्स ओलंपियन ध्यानचंद पुरस्कार विजेता चीफ रेसलिंग कोच कुलदीप मलिक। विनेश फोगाट, आपको कब और कहां कैसे मिली? मेरे को विनेश जो है 2013 के अंदर, यहाँ जब वो लड़की पहली बार यहाँ इधर कैंप में आई, पहले जूनियर में आई थी लेकिन मैं जब सीनियर के साथ था, तो जब मेरे को मिली और मेरे को जैसे इसकी स्पीड और ये लगी तो बहुत ही एक एक्सीलेंट लड़की थी। मुझे ये भरोसा रहता है जितना भी इसको मेहनत का काम दे देंगे वो पूरा करेगी। रियो ओलंपिक में विनेश की जो ये इंजरी थी वो कितनी सीरियस थी और कितना समय लगा उसको इस इंजरी को ठीक करने में? अभी देखो आप, 1 साल लग गया, मैं समझता हूँ कि 90% या 95% ठीक है वो लड़की। 5% इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको बताने की भी जरूरत, खुद समझते हैं कि वो झिझक रहती है। हर खिलाड़ी के मन में एक झिझक रहती है, कहीं ना कहीं दर्द जरूर रहता है। हाँ, बगैर दर्द के कोई खिलाड़ी खेल नहीं सकता। हाँ, दर्द तो शायद खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा है।
तो आपको कैसा लग रहा है जब वो वापस मैट पर आ गई है, वापस ट्रेनिंग कर रही है, वापस रेसलिंग कर रही है, तो अब कैसा लग रहा है? मुझे फिर दोबारा वही उम्मीदें बंद की 2020 जैसे 2016 में थी। मुझे दो उम्मीद फिर दोबारा यही है कि विनेश हटेगी नहीं पीछे, कुछ भी हो जाओ तो ये मेडल लेके आएगी। एक कोच की नजर में विनेश की क्या स्ट्रेंथ है? प्राकृतिक तौर से भगवान ने ऐसा ऐसी बॉडी दी है उसको। आप इसका शरीर देखो, हड्डियां देखो इसकी, वो एक नेचुरल पावर है इसके अंदर। और उसकी वीकनेस क्या है? वीकनेस बताई नहीं जाती है, उसको हम समझा रहे हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अच्छे कोच की यही निशानी होती है कि वो अपने खिलाड़ियों की वीकनेस किसी को बताते नहीं, उन पर सिर्फ ध्यान देते हैं, काम करते हैं और उनको इम्प्रूव कराते हैं। विनेश एक ऐसी पहलवान है जिसकी कोचिंग बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। मैं रिस्क बहुत ज्यादा उठाती हूँ, मैं कुछ भी अलग करने से नहीं डरती कभी भी। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना कि अगर मेरे लेग्स में कोई अटैक करेगा तो मैं बहुत मुश्किल से पहुंच जाती हूँ डबल लेग्स में। अटैक करने का जो तरीका है बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन तरीका है। जब वो डायरेक्ट अटैक करती है तो विरोधी उसके सामने टिक नहीं पाता। कोचिज का एक शेड्यूल है, प्लान है कि हमें क्या करना है। तो अभी कंपटीशन नजदीक है तो हम मॉर्निंग में ग्राउंड पे करते हैं। इवनिंग में फिर हमारा मंडे को मैट होता है, मैट ट्रेनिंग करते हैं 3 घंटे तक। और ट्यूसडे को हमारा दोनों मैट होता है, लेकिन वो मैट में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, हम टेक्निक के कम करते हैं और हमारा बाउट्स होता है, मैच होता है जो हम कंपटीशन में खेलते हैं, तो उस तरीके से करवाते हैं कि वो हमें एक हैबिट हो जाए लड़ने की। वेडनेसडे को फिर हमारा जिम ट्रेनिंग होता है या फ्री वेट होता है, वो प्लान के अकॉर्डिंग होता है अगर कंपटीशन है या ऑफ कंपटीशन है। थर्सडे को मॉर्निंग में ग्राउंड में और इवनिंग में मैट पे, और फ्राइडे को फिर वही मैचेज होते हैं रेसलिंग के जो मैच होते हैं एक्चुअल में। सैटरडे को हमारा क्रॉस कंट्री होता है, लॉन्ग रनिंग होता है, कभी 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक हमारा जाता है, थोड़ा सा स्टेमिना बूस्ट करने के लिए। स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि वेट को मेंटेन रखती हूँ और अपना स्पीड को पूरा बूस्ट रखूँ। मानसिक तौर पे वो लड़की इतनी मजबूत है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं समझता हूँ गीता और बबीता के मुकाबले में जा खड़ी होगी और ओलंपिक में भी मेडल जीत के लेके आएगी। रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, एक सेट करना चाहती हूँ कि रेसलिंग में जब भी नाम आए, जैसे भी सुशील पहलवान जी का नाम आता है तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ में मेरा नाम आए कभी भी रेसलिंग में, वुमेन्स में आए कि एक विनेश फोगाट थी और वो विनेश फोगाट की थी। किसी खिलाड़ी के लिए सबसे तकलीफ वाली बात होती है कि वो बगैर खेले मैदान से वापस आए। मुश्किलों का वो दौर विनेश ने पार कर लिया है, अब उनके सामने है एक ब्राइट फ्यूचर और उस ब्राइट फ्यूचर के लिए हम सब की दुआएं उनके साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी उम्मीदों को जरूर पूरा करेगी। ऑल द बेस्ट विनेश, जय हिंद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।